अखिलेश यादव ने लखनऊ में बंगला तो छोड़ दिया है, लेकिन विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश के बंगले से एसी, स्विच बोर्ड, बल्ब, वायरिंग तक उखाड़ ली गई थी, जिसके बाद से लगातार विवाद मचा हुआ है। अब इस मामले पर ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो संदेश जारी किया गया है और इसे जारी किया है अमर सिंह ने। सिर्फ वीडियो जारी नहीं किया गया है, बल्कि अखिलेश को जबरदस्त तरीके से घेरा है अमर सिंह ने। अमर सिंह ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। इस मोदी स्टेट में आवंटित अपने बंगले का स्वरूप बदल दिया, सार्वजनिक निर्माण विभाग के खर्चे से नहीं, अपने खर्चे से बंगले की कायाकल्प गिरीश सांघी जी ने भी किया और हमने भी किया। गिरीश सांघी जी सांसद नहीं रहे, बीच में रामगोपाल यादव और अखिलेश की कृपा से 13 महीने तक मैं भी सांसद नहीं रहा, लेकिन बंगले की टाइलें नहीं उखड़वाई जो हमने अपने पैसे से लगवाई थी, बंगले की शोभा नहीं उजाड़ी जो कि हमने सरकारी पैसे से नहीं अपने पैसे से लगाई थी। अखिलेश यादव जी ये बताएं कि जिस बंगले में वो रहते थे उस बंगले का ऐसी, उस बंगले के दर व दीवार और उस बंगले का उखड़ा हुआ रोता हुआ रंड रुदन करता हुआ संगमरमरी पत्थर, ये क्या राज्य के राजस्व के खर्चे का था या उनकी जेब का था? और उनकी जेब का था तो इतना बड़ा खर्चा का क्या उन्होंने आयकर रिटर्न भरा है? क्या दिखाया है कि इतना पैसा है कि इटालियन बार बार लगा लें, 100-100 एसी लगा लें, और इतना पैसा है नहीं तो अंबानी से बढ़िया जीवन स्तर एक समाजवादी का कैसे था? आप समाजवादी हैं या पूंजीवादी या अवसरवादी या घटिया तरीके से धन का उपार्जन गायत्री प्रजापति ऐसे अवैध खनन करने वाले कथित बलात्कारी के सहयोग से काले धन को लेकर अपने जीवन की शैली को उच्च करने वाले व्यक्ति हैं? हमने बंगला बनाया था तो हम उद्योगपति हैं, हम आयकर देते हैं और हमारे पास उसका हिसाब है। आप हिसाब भी दे जनता को कि 100 एसी कैसे थी, स्विमिंग पूल कैसा था, और अगर ये सब आपके पैसे से थे तो ये पैसा आपने कैसे कमाया? खेती से कमाया या इटावा के कोल्ड स्टोरेज से कमाया? इस पैसे का फ्लो क्या है? और अगर सरकार का था तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने का आपको क्या अधिकार है? इस तरह के घटिया और बेहुदा व्यक्ति को जिसका मन इतना छोटा है, ऐसे लोगों के लिए ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि छोटे मन से कोई राजनीति नहीं होती और कोई बड़ा काम नहीं होता। आपको अपना पिता पसंद नहीं, अपना परिवार पसंद नहीं, और अपना बंगला भी तब पसंद नहीं अगर सुप्रीम कोर्ट उसे आपसे छीन ले, तो ये बाल हट कब छोड़ेंगे आप?